लाओ, इतना सारा क्यों निकाल कर लाई हो? और खिचड़ी कौन खाएगा? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर हो रहा है और मैं मिनाहिल को खाना खिला रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा खाई और मुझे आज टेलर के पास जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी से मैं पहले रूम साफ कर लेती हूँ। मिनाहिल ने पूरा खिलौना फैलाया, थोड़ा सा खाना मैं भी खा लेती हूँ। फ्रेंड्स, उतने देर से मैं ये सब कर रही थी, सफाई और ऊपर से सूट ला कर भी रखी, और मिनाहिल का मैंने खिलौना वगैरह भी उठा दी। अभी जा रही उसको रेडी करने के लिए, क्योंकि 3:30 बज गए हैं, तो इसको अरबी का ड्रेस मैं पहना कर ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि टेलर के पास आने के टाइम मुझे लगता है कि टाइम हो जाएगा, तो इसको ये ड्रेस पहना कर लेके जा रही हूँ, तो सीधा फिर उसको अरबी छोड़ दूंगी। और ये कल ड्रेस मैंने लिया है एक, तो ये भी सिलवाने के लिए दे रही हूँ। तो अभी टेलर को जो 2 ड्रेस दिया था वो उन्होंने सिल दिया है, तो ये भी दे रही हूँ एक। तो ये कल ही लिया मैंने, ये कॉटन का है, ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका, और ये पैंट है, और ये तो इसका मैं पैंट ही बनवा रही हूँ। मुझे इसका दुपट्टा थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन तो मैंने सोचा कि चेंज करवा लूंगी, लेकिन फिर मिनाहिल के पापा ने बोला कि नहीं, अच्छा लग रहा है, रहने दो, तो फिर मैं इसको ही सिलवा रही हूँ। तो इसका पैंट बनवा लूंगी और फिर वो लॉन वाला लेकर जा रही हूँ, और उसके बाद फिर वो जो अल्टरिंग करवाना था मुझे, वो सूट, तो ये सब लेके जा रही हूँ। तो सब साफ उफ हो गया, चाची भी आ रही होंगी, चाची के साथ ही जाना, तो जल्दी से मैं इन सबको बड़े थैले में रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर रेडी होके और मिनाहिल को भी रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हो गई हूँ और मिनाहिल को भी रेडी कर दी, और चाची भी आ रही है, और सब कुछ साफ भी कर चुकी हूँ। तो मिनाहिल का यूनिफॉर्म लेकर जा रही हूँ, उसे पहना कर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ना फिर वो पहनकर चल नहीं पाएगी और फिर मुझे गोदी गोदी लेने के लिए जिद करेगी, और फिर मैं थक जाती हूँ उसे लेकर। तो अभी चाची भी वहां से आ रही है, मिनाहिल, तो एक ही बार जा रही हूँ, क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं और फिर मिनाहिल का अरबी का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 5:30 इस 5:15 में उसका अरबी है, तो इसलिए जा रही हूँ और देखती हूँ कि अंकल ने कैसे कपड़े सिले, और ये जो सिलवाऊंगी इसका भी डिजाइन आपको बताऊंगी। और बाहर बहुत धूप भी है, तो मैं बस अब जल्दी से निकलती हूँ, क्योंकि चाची भी आती ही होंगी, धूप भी बहुत ज्यादा है, अब गर्मी पड़ रही है, ठंडी गया अब तो। ये इस तरीके से नोज पीस लगा लेती हूँ मैं, और मैं तो अकेले चलने में ही थक जाती हूँ, लेकिन फिर मिनाहिल भी गोदी गोदी करती है, तो मिनाहिल को भी लेना पड़ता है, इसलिए तो आपसे बाहर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग, बहुत गली गली घुस कर आना पड़ता है, बस अच्छा कपड़ा सिलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देख लीजिए कितनी पतली पतली गली है, बस इसलिए आती हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा सिलते हैं। उफ, ये भी मुझे उन्होंने बताया था जो सोसाइटी में रहती है, सब आप ही उन्होंने, देखिए कितनी पतली गली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ही सिल रहा है। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, अच्छा ये व्हाइट वाला मेरा बना, अच्छा आस्तीन में डिजाइन बना दिया है मेरा, नहीं बना क्यों, वो हम बोले नहीं थे कंधे पे चून बनाने, वो अच्छा बनाए, लेकिन खैर अच्छा लग रहा है, चाची का भी बन गया ना, ठीक तरफ डाल दिए वो डिजाइन, देख लीजिए पैचेस लगा कर सिलना है, ये चाची का है पैचेस वाला डिजाइन वाला, कॉटन में पैच लगेगा आपको, का गले का है ना, तो आस्तीन में लगेगा या दामन में, दोनों में से एक चीज में लगवाइए, ये वाला गले का ही है, ये गले का है, ये दोनों दामन का है ना, दामन में ही लगवाइए फिर, ऐसे देखिए। मिनाहिल मशीन नहीं छूना, ठीक है, ये मेरा है, पहले तो ये देख लीजिए, ये मेरा पाकिस्तानी लॉन्ज है, 2.5 मीटर है ना, तो ऐसा बनाइएगा कि इसमें मेरी बेटी का भी एक कुर्ता बन जाए, क्योंकि 2.5 मीटर है मेरा, 2.5 मीटर का नहीं बनेगा अंकल, नहीं चाहिए ना, माप वाला रखेंगे, हाँ 2.5 मीटर लंबा ही नहीं चलेगा, नहीं जाता है, 2 मीटर में मेरा कुर्ता बनता है, हमेशा बनवाया है, इसमें 2.5 मीटर देखिए तो खोल के, ज्यादा कपड़ा है, ये लंबाई भी, फोटो कैटलॉग इसका नहीं दिया है, दिया होगा
नहीं मेरे पास कैटलॉग, अभी हम आपको फोटो दिखा रहे, रुके ना, है हम लिए। हाँ ये फ्रंट हो गया ना, हाँ ये हो गया फ्रंट जी, ये यहाँ तक, हाँ वहाँ तक, हाँ ये क्या दिया है, तो इसलिए बोले अगर इसका बचेगा ना तो मेरी बेटी का बना दीजिए, यहाँ से देखा तो उनको समझ में आ जाएगा। हाँ मेरे फोन मेरी अभी तो वही लिए फोन, ये बैग का हो गया ना, हाँ लिए, कहाँ पीछे कर ली है, सो जा उड़ के सो जा। तो इसका गला कॉलर बनेगा, कॉलर गला या बंद गला दिखा देती हूँ, वो बना दीजिए ठीक है ना, वो भी बन जाएगा। ये आगे ऐसा खुला रहेगा ना, डिजाइन आएगा, खाली पीछे रखेगी ना कॉलर, नहीं, नहीं, पूरा रहेगा ये, पूरा गोल कॉलर, गोल वाला बना दीजिए, गोल बंद कॉलर होता है ना वो, ठीक है ना, बन जाएगा ना, बैठो ना मिनाहिल, हुक ठीक है, अच्छे हुक नहीं, वो बटन आता है ना इसी कपड़े का लुप्पी लगा देने वाला, वो मजबूती से वो लगा दीजिएगा ना, मतलब हुक अंदर रहे और बटन ऊपर से रहे, सेम कलर का बटन खरीदना पड़ेगा। तो ये कपड़े का बनाते हैं जो वो नहीं लगेगा, ठीक है खरीद के लगा दीजिए, बनता ये भी है तो मशीन चाहिए, पैंट भी ज्यादा छोटा नहीं, वही टखना तक रहना चाहिए ठीक है ना, और ये भी, ये इसका भी पैंट कुर्ती बनवाना, वो पैंट की लंबाई तेरे बराबर है क्या, हो गया ये वाला व्हाइट वाला दे दीजिए, ये दोनों व्हाइट वाला, हाँ मेरा वाला भी देखिए, और ये वाला भी नहीं हुआ मेरा, बस वही खाली बाकी है, पैंट ही बाकी था, टॉप रेडी हो गया, तो रात से 5 बजे तक, ठीक है तो हम 10 तारीख को आएंगे तो ले लेंगे। ये भी आसिन ढीला बोले थे ना, गला हम आपको बोले थे अंकल ऐसा, नहीं बोले तो गला बना, तो बना दिए ठीक है, शुक्रिया, अच्छा लग रहा है वैसे, चलिए ठीक है, अच्छा ही अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, डाल दीजिए इसको प्लास्टिक में, पटियाला बना है ना, 4 मीटर का कितना समय बोलते देखोगे, मोरी मोरी मेरा छोटा ही रहता है, बोलती है वो बना ये पलाजो, इतने देर से अंकल को कपड़ा दे रही थी, 5 बज गए हैं, अब जल्दी जल्दी जा रही हूँ, मिनाहिल को अरबी भी लेकर जाना है, बहुत देर इंतजार करने के बाद हमें ऑटो मिला और मिनाहिल के अरबी का भी टाइम हो गया, 5:15 में अरबी रहता है, 5:13 हो गया है, जल्दी जल्दी अब इसको मैं ऑटो में ही कपड़ा चेंज कर देती हूँ, ठीक है मिनाहिल, मिनाहिल को जल्दी जल्दी लाकर रेडी करा दिया है, अब उसे अरबी लेकर जा रही हूँ, रुक जाओ, और उसको मैंने ऑटो में ही उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, और बस चाची के यहाँ के स्कार्फ ले लिया और बैग, और अब उसका अरबी छोड़ने जा रही हूँ, चलो अल्लाह हाफिज। मैं नायल को छोड़कर आ गई हूँ, अब जा रही हूँ अपना ड्रेस देखने पहन कर कि कैसा सिला अंकल ने, व्हाइट ड्रेस जो मैंने सिलवाया पटियाला सिलवाया था और अंकल ने बहुत अच्छा सिला है देखिए, तो अभी मैंने पहन कर देखा और इसका दुपट्टा घर पे, और ये डिजाइन भी अंकल ने खुद से लगाया है और अच्छा लग रहा है मुझे, अब मैं इसको जा रही हूँ रख देती हूँ, आयरन वायरन करके दिया वरना आयरन ना खराब हो जाए, तो बहुत दिनों के बाद मैंने पटियाला बनवाया है। फ्रेंड्स मिनाहिल को लेने का टाइम हो गया था अरबी से, तो अब इसे लेकर मैं जा रही हूँ चाची के घर पे, क्या हुआ बाजी, चॉकलेट दी आपको, हाँ। अली वाह क्यों, अली वाह आपने बोला जजाकल्ला बाजी को, अल्लाह मिनाहिल को बाजी ने स्टार भी दिया माशाल्लाह। फ्रेंड्स अब से मिनाहिल की दादी से बात कर रहे थे और यहाँ पे बन रहा है चरपा, मिनाहिल को मैंने खिला दिया है, वीडियो कॉल में बात करी थी इसलिए शूट नहीं कर पाई, और ये और बन रहा है, मैंने भी खाया, अब मिनाहिल अभी बाहर गई, नहीं मिनाहिल अभी चला रही साइकिल। फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर बैठकर जा रही हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि कल मैंने कुर्ती लिया था और सलवार लिया था, तो उसका पैसा नहीं दिया मैंने, तो उसका पैसा देने जा रही हूँ, दिखाइए ओके, तो जा रहे बाहर, मिनाहिल मेरे गोदी में जा रही है। फ्रेंड्स हम लोग मार्केट में आ गए और यहाँ पे देख रही हूँ पैंट है, चलो चलो चलो, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और अंकल को पैसा देना था तो उनके पास गूगल पे है तो नहीं दिया, अभी कैश निकालूंगी उसके बाद दूंगी, क्योंकि वो अभी गूगल पे यूज नहीं कर रहे हैं। ओह थक गई मैं, मिनाहिल को बहुत दूर से गोदी में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स हम लोग बाहर से आ गए और यहाँ पर मिनाहिल
खेल रही है और साइकिल चला रही थी। चलो यहाँ से चलो बैठो। नहीं काट लेगी किटन में, नाइल काट लेगी। ये किसी की पालतू किटन है साहिल, किसकी है ये? किसी की पालतू है पता नहीं। मीनाइल चलो चलो साइकिल चलाओ, अभी थोड़ी देर में हम लोग घर चले जाएंगे। फ्रेंड मैं घर जाते जाते आटा लेने आई हूँ यहाँ पे, और देखिए मेरे हाथ में कितनी सारी थैली, ऊपर से मीनाइल तंग करती है। ये क्या कर रही मीनाइल? तो बस यहाँ से चक्की से आटा पिसवा रही हूँ और लेके जा रही हूँ घर पे। घर पे आ गई हूँ मैं और देखिए कितनी सारे बोझ है मेरे पास। अभी जा रही हूँ मैं, इन सबको यहाँ पे रख दूंगी। ये आटा लेकर आई हूँ, इसमें आटा है और उसमें आलू है, और ये मीनाइल के लिए जो चरपा बनाया था वो है, और जो मेरा न्यू ड्रेस है वो है। तो अभी और ये मीनाइल का बैग है, अभी इन सब चीज़ों को रखने जा रही हूँ। और अभी तो बहुत गर्मी लग रही, मीनाइल बाहर खेल दिया, मैंने बोला चलो बच्चे के साथ खेल लो। क्या अभी बहुत थक गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। तो चाची ने बोला था कि खाना खा कर जाओ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं नहीं खाऊंगी, जा रही हूँ। तो अभी जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। मैं पकाना तो सिर्फ ये है कि रोटी बनाना है और मटन बनाने जा रही हूँ। तो अभी पहले मैं बेड साफ कर लेती हूँ, वरना क्या होता है ना, साफ करके जाती हूँ फिर सोने से पहले पूरा गंदा हो जाता है। तो ये मीनाइल का बैग है, इसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। और ये मेरा पर्स हो गया, और ये चरपा था मीनाइल के लिए जो बना था, तो मैं अब वो आधा ही खाई, तो मैं और लेकर आ गई हूँ। और चार्जर लेकर जाती हूँ कि मेरा बैटरी लो हो जाता है इसलिए। तो अभी इन सब चीजों को अपनी जगह पे रख देती हूँ, उसके बाद फिर जा रही हूँ आटा को रखने। सबसे पहले मटन चढ़ा लेती हूँ, और मीनाइल को भी देखना पड़ता, वरना वो बाहर बदमाशी करती है बच्चों के साथ इसलिए। फ्रेंड्स मीनाइल यहाँ पे खेल रही है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, तो मैंने बोला कि चलिए आ जाओ अंदर और साथ में बैठकर खेलो। तो ये लोग साथ में बैठकर खेल रही है। और आज मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मटन बना लूँ, लेकिन मैं मटन नहीं बना रही हूँ, तो क्योंकि मीनाइल मुझे मालूम है नहीं खाएगी। तो अभी मैं अंडे का कुछ बनाने जा रही हूँ। तो तेल मैंने चढ़ाया है, सरसों का तेल, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद साथ ही साथ मैं इसमें ये एक अनियन काट के डाली थी, तो एक अनियन काट कर डाल दूंगी इसमें। और फिर ये जो है ना, ये प्याज है, कल लेकर आई थी, तो उसको मैं, ये कच्चा प्याज मिल रहा है अभी, तो इसको मैंने हवा लगने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया। और अभी मैं ये बना रही हूँ, तो इसमें क्या है ना, ये ऐसे ही बस अपने हिसाब से बना रही हूँ, बहुत लोग भी बनाते हैं। ये क्या है, पहले मैंने तेल डाला, तेल में जीरा डाला, जीरे में प्याज डाला, फिर कैसे लग गया दिखाओ, ये करो, ये कैसे लगा? कुछ नहीं हुआ, ध्यान से खेलो ठीक है बाबू, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, प्यार से खेलो। तो मीनाइल को इन लोगों के साथ छोड़ दी हूँ, क्योंकि मीनाइल को थोड़ा कंपनी मिले, अकेले अकेले मीनाइल बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ा सा प्याज लाल होगा, ज्यादा नहीं होगा। साथ प्याज लाल होने के बाद मैं क्या डालूंगी, ये आलू, ये आलू डालने के बाद अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करूंगी, फिर ये टमाटर डाल दूँ, सॉरी फिर ये दो अंडे डाल दूंगी, उसके बाद टमाटर डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा सूखा मसाला, मतलब मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। तो अभी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं बैठ कर बना रही हूँ टेबल में, क्योंकि खड़े खड़े पैर में दर्द हो रहा है। और ये आटा है, इसको भी रखना है मुझे। और ये कुकर निकाली थी मैं मटन बनाने के लिए, फिर मेरा मूड चेंज हो गया इसलिए मैं मटन नहीं बना रही हूँ। तो देखिए प्याज लाल हो रहा है, और ये मैं रोटी के साथ खाऊंगी। और ये मैंने ये भी निकाल कर रखा, ये फ्रिज में रख दिया था मैंने, क्योंकि इसे ओपन करने के बाद फ्रिज में रखना चाहिए। तो थोड़ी देर में जितना खाना, चार पांच ऑलिव्स निकालूंगी और फ्रिज में वापस से रख दूंगी। तो ये प्याज ज्यादा लाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हो गया। मैं इसमें ये आलू डाल देती हूँ, आप किसी भी शेप में अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने दो शेप में काटा है, एक छोटे छोटे टुकड़ों में और एक थोड़े बड़े टुकड़ों में। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालूंगी। और मसाले में डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। नहीं बेटू लड़ाई झगड़ा नहीं करो, अच्छे से खेलो। तो इसे मिक्स करके अभी मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ अच्छे से। अभी ये मिक्स भी नहीं हुआ, तो अभी मैं फ्लेम लो करके इसको ढक के छोड़ देती हूँ जब तक ये गल जाएगा, उसके बाद फिर भूनूंगे। तो ये थोड़ी धीमी आंच पे पक रहा है, तब तक मैं ये बना लेती हूँ रोटी। तो ज्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी, तीन चार रोटी बनाऊंगी। और ये टमाटर जब ये हो जाएगा तो उसमें डालूंगी, पहले अंडा डालूंगी उसके बाद टमाटर डालूंगी। नमक भी अभी नहीं डाला मैंने, नमक थोड़ी देर से डालूंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तब से आलू रखा था मैंने इसमें, अभी ना ये हो गया है,
गल गया है, तो अब इसमें मैं डालती हूँ अंडा। वैसे खाली ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी इसमें अंडा ऐड करती हूँ मैं। तो पहले टमाटर डालू या पहले अंडा? तो पहले टमाटर डाल लेती। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो नमक अभी ऐड कर रही हूँ कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाओ हो जाए। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसको फिर से टमाटर डाल के ढकती हूँ कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसको ढक देती हूँ, 2 मिनट के बाद फिर अंडा डालूँगी। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे दूसरा तवा लेना है क्योंकि ये टूट गया, तवा भी ख़राब हो गया है। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, अब मैं इसे निकालती हूँ। ये सॉफ्ट हो गया टमाटर, और ये 2 अंडे हैं मैं इसमें ऐड करती हूँ। और भी अंडे डालती मैं, लेकिन मिनाहिल को मैंने दिन में अंडे दिए थे और अभी अंडे नहीं दूंगी, थोड़ा देर मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। ज़्यादा अंडे नहीं डाल दी हूँ कि फिर ज़्यादा नहीं खाऊंगी, गर्मी का वक्त है, मिनाहिल को भी नहीं खिलाऊंगी इसलिए। तो अभी थोड़ी देर इसको ढके रहने देती हूँ। थोड़ा देर अब मैं इसमें अंडा डालकर इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे बंद कर देती हूँ। तब तक 2 लोई और है, तब तक मैं और रोटी बना लेती हूँ। तो ये अब मैं इसे ओपन करती हूँ, देखिए। और अब इसे मैं मिक्स कर दूंगी, और ज़्यादा नहीं पकाना इसे, अब थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। अगर थोड़ा सा चाट मसाला होता तो मैं इसमें डाल देती। मुझे लगता आलू ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, आप अगर बनाएंगे तो अपने हिसाब से आलू डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, उसका टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये बनकर तैयार है। आपको पसंद है मिनाहिल फातिमा? पसंद है। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेती हूँ मैं, और इसको ऐसे रहने देती हूँ। देखिए बस 1 मिनट चलाने के बाद इसे बंद कर दूंगी। और बस एक रोटी बचा है, एक रोटी बनाकर सबसे अव्वल तो मैं पूरा किचन साफ करूंगी, और उसके बाद फिर मैं ये रूम साफ करूंगी, फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि गंदगी में नहीं खाया जाएगा। और मिनाहिल की फ्रेंड चली गई है ना? मिनाहिल की फ्रेंड चली गई, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मिनाहिल की फ्रेंड्स मुझे मम्मी कह रही थी, तो मिनाहिल बोलती है नहीं, मिनाहिल मम्मी बोलती है। फ्रेंड्स आप लोग आंटी बोलो, मम्मी मत बोलो। बस हो गया, अब मैं फ्लेम को इसको ऑफ कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सब साफ कर लिया और दूध बॉईल करने के लिए रखी हूँ। एक बार बॉईल हो जाए तो फिर खाना खाने जा रही हूँ, और अच्छा ये ठंडा भी हो जाएगा। फिर मुझे फ्रिज में रख के ठंडा करना पड़ता है, और बहुत टाइम हो जाता है, फिर मिनाहिल चिढ़ती भी है। तो थोड़ा सा और बॉईल कर लेती हूँ मैं। दूध बॉईल पियेंगे आप? मिनाहिल थोड़ा बहुत पीती है, ज्यादा नहीं पीती है। कभी कभी इसका मन करता है, जब नहीं रहता तब ये मांगती है। अब फिर से मैंने डेली का लगा लिया है। पहले मैं लेती थी डेली, तो फिर मैं बंद करवा दिया था मैंने, फिर लेकिन कल से फिर लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया, बस अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। और खाना मैंने निकाला है और यहाँ पर रखी थी, और मिनाहिल ने सब मेरा हेल्प किया है। चलो अब चलो यहाँ से चलते हैं, चलो लेट्स गो। तो देखिए खाना लगा लिया है मैंने, और सब मैंने निकाल निकाल कर रखा था, और मिनाहिल लेकर आई है। तो ये है जो मैंने भुजिया बनाया है, अंडे का और आलू का मिक्स करके, तो वो अब खाने जा रही हूँ ये है। और ये रोटी बनाकर हॉटपॉट में रखी हूँ, और ये है ऑलिव्स। तो अभी जा रही हूँ खुद भी खाने, और मिनाहिल को भी देखती हूँ मिनाहिल खाती है कि नहीं, तो वो खा के आपसे मिलती हूँ। गाइज मैंने मिनाहिल को खाना खिलाकर सुला दिया था, और अभी काफ़ी टाइम हो गया, 2 बजे रात के। और मैं मिनाहिल की दादी से वीडियो कॉल पे बात करी थी, फिर मिनाहिल के पापा से किया, और देखिए मैं बार बार उठाती हूँ, लेकिन बच्ची है तो बार बार ऐसा करती है। तो अभी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं और व्लॉग बनाती, लेकिन अब मैं जा रही हूँ सोने, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने जो कपड़ा सिलवाया था वो आज लेकर आई, और आज कल एक और ड्रेस लिया वो देकर आई, और भी कपड़े 2-3 जो वो सिल कर आएंगे तो आपको दिखाऊंगी। और बस अब मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।